क्या सवाल है? नमस्ते सर। सर 100 क्वांटिटी है सर बीप्रो का, ओके, 510 पे लिया हुआ था सर। 510 पे विप्रो लिया है, 100 हाँ शेयर्स, जी सर। अभी तो 367 में आ गया है। जी सर, अभी क्या करना चाहिए सर? सर आपका मन क्या कर रहा है करने का? आप जो बताएंगे वही कर लेंगे। अच्छा, लेने से पहले पूछा था क्या? नहीं पूछा था सर ना। पूछा तो नहीं था सर। अच्छा ये बताओ, ट्रेडिंग के लिए लिया था कि इन्वेस्टिंग के लिए? क्योंकि राय वैसी ही होगी, बताइए। सर उस टाइम तो ट्रेडर था, लेकिन अभी क्योंकि आप लॉस बन ज्यादा गया हो हो गया तो अभी इन्वेस्टर बन इन्वेस्टर। गया सर। वेरी गुड। अरे भाई गौरव जी, रवि जी की मदद करिए। रवि जी ने लिया तो ट्रेडिंग लिया था, लेकिन अब बन गए इन्वेस्टर। अब उनको नुकसान हो रहा लगभग 150 रुपये पर शेयर का। मैं चाहता हूँ रवि जी को कम से कम थोड़ा ही फायदा हो जाए, लेकिन हो जाए तो क्या करना चाहिए इनको अब? देखिए, बने रहना पड़ेगा और कम से कम 1.5 साल तक आप इंतजार कीजिए। स्ट्रक्चर्स खराब अभी तक उतर नहीं है, एकदम सपोर्ट्स के करीब आ गए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ पे एवरेजिंग कीजिए, लेकिन आप बने रह सकते हैं। इसका जो मंथली चार्ट पर देखा जाए तो 89 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है 340 का। 340 के नीचे अगर एक दो दिन क्लोजर आती है तो इसको एग्जिट कीजिए, जब तक आप बने रह सकते हैं। इस पर बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्चुअली क्या है ना रवि भाई, इसमें आईटी की ना इस समय बड़ी अच्छी खबरें नहीं आ रही उनके लिए, देश दुनिया से तो उनकी पिटाई हो जाती है। तो थोड़ा वेट करिए, होल्ड करिए, जब दिन बदलेंगे इनके तो फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ आपको 150 रुपये पर शेयर का अगर लॉस बुक करना है तो फिर वो लॉस हो ही जाएगा। ऐसे तो ये है कि एक संभावना, एक किस्मत चमक गई मान लो, तो लॉटरी लग सकती है। तो इसलिए आप होल्ड करिए, ज़्यादा बेटर रहा है यहाँ।